चश्मा में छोटे से टप्पू का किरदार निभाने वाली फेमस एक्टर भव्य गांधी, जिनके पिता के निधन को लेकर हाल ही में खबर सामने आई थी। लेकिन आज हम करने वाले हैं एक बार फिर से उनके पिता के निधन के साथ साथ भव्य गांधी की जिंदगी पर भी खुलासा। ये बात तो आप जानते हैं कि हाल ही में भव्य गांधी के पिता का निधन हुआ, जिनसे जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर सामने भी आई। लेकिन साथ ही आज हम इस रिपोर्ट में करेंगे खुलासा कि किस तरह पिता के निधन के लिए भव्य गांधी और उनकी पत्नी ने किया काफ़ी ज़्यादा संघर्ष और काफ़ी ज़्यादा कोशिशें उन्हें बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं सके। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर भव्य गांधी, जिनके पिता के निधन के बाद ही खुला है राज उनकी दो गर्लफ्रेंड्स का, उनके ज़िंदगी में दो लड़कियों के साथ उनका नाम जुड़ा था, वो लड़कियां कौन थी, आज हम खोलेंगे राज इस रिपोर्ट में। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये शो तो काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर है और फैंस इस शो को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। इसी वजह से इस शो की TRP हमेशा नंबर वन पर रहती है और शो में नजर आ चुके टप्पू यानी कि भव्य गांधी इस शो को अब छोड़ चुके हैं। बता दें कि इन दिनों शो में जेठालाल के बेटे दीपेंद्र का किरदार राज अनादकर निभा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं भव्य गांधी से जुड़े वो राज जिनके बारे में शायद आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। बता दें कि टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम कर चुके टप्पू यानी कि भव्य गांधी के पिता विनोद गांधी का हाल ही में निधन हो गया था। खबर ये थी कि टप्पू यानी कि भव्य गांधी के पिता कोरोना संक्रमित थे और इसी वजह से उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। पिछले एक महीने में 3 अलग अलग अस्पतालों में भव्य गांधी अपने पिता के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते नजर आए। उन्होंने पूरी कोशिश की अपने पिता को बचाने की। इसी के साथ उन्होंने अपने पिता को कोकिलाबेन अस्पताल में भी एडमिट कराया था, जहां पर भव्य गांधी के पिता ने अंतिम सांस ली। अब भव्य गांधी की मां यशोदा गांधी ने भी खुद अपना दर्द बयां किया है अपने पति के निधन पर। जी हां, आपको बता दें कि भव्य गांधी की मां का नाम यशोदा गांधी है, जिन्होंने अपने पति के निधन के बाद कहा है कि मेरे पति ने पिछले साल से इन कोरोना काल में हर तरह की सावधानी बरती थी। वो न केवल सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते थे बल्कि उनका मास्क हमेशा लगा रहता था। वो बार बार हाथ धोते थे, खुद को सैनिटाइज करते थे, फिर भी वायरस उनके पास पहुंच गया और वो वायरस की चपेट में आ गए। भव्य की मां ने आगे ये भी कहा कि एक महीने पहले उनके पति ने उन्हें बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने यशोदा को भी अपने कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। हालांकि उस समय उनमें ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे जिससे कि ये लगा सके पता कि उनको कोरोना जैसी बीमारी। अगली सुबह जब भव्य गांधी की मां अपने पति को देखने कमरे में पहुंची तो उनको बुखार था और इसीलिए तुरंत उनकी पत्नी ने उन्हें बुखार की गोली दे दी। बता दें कि बुखार की गोली देने के थोड़ी देर बाद भव्य के पिता ने उनकी मां से कहा कि उन्हें अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा है। ये बात सुनने के बाद तुरंत उनके सीने की स्कैनिंग की गई, जिसकी रिपोर्ट में 5% इन्फेक्शन नजर आया। उस वक्त डॉक्टर ने उन्हें सुझाव दिया कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, डॉक्टर उन्हें घर पर आइसोलेट रहकर भी दवाइयाँ एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन 2 दिन तक ऐसा करने के बावजूद भी भव्य गांधी के पिता को राहत नहीं मिली, इसलिए भव्य गांधी के परिवार ने एक जाने माने ट्रस्ट फिजिशियन से एडवाइस ली, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी हालत में सुधार नजर नहीं आया। जब फिर एक बार फिर से भव्य के पिता सीटी स्कैन करवाने गए तब पता चला कि ये जो इन्फेक्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तब डॉक्टर्स ने भव्य के पापा को अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें एडमिट करने के लिए कोई अस्पताल नहीं मिला। जहाँ भी उनके परिवार वाले फ़ोन कर रहे थे उन्हें BMC में रजिस्टर करवाने की एडवाइस दे रहे थे। बताया जा रहा था कि उनका जब नंबर आएगा तब उन्हें फ़ोन किया जाएगा। इस पूरे चीज़ों को देखने के बाद यशोदा गांधी ने कहा कि भव्य की मैनेजर की मदद से मुझे आखिरकार दादर के एक हॉस्पिटल में मेरे पति के लिए एक बेड मिल गया, जहाँ वो 2 दिन तक रहे और फिर वहाँ के डॉक्टर ने मुझे बताया कि उन्हें ICU की ज़रूरत है। हमारे पास अभी के लिए ICU बेड नहीं है, इसलिए कृपया आप इन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कीजिए। जिसके बाद कम से कम हमें 500 बार कॉल किया
यशोदा ने आगे ये भी कहा कि मैंने अस्पतालों से लेकर राजनेताओं और कार्यकर्ताओं से लेकर एनजीओ तक मेरे हर एक जान पहचान के शख्स और परिवार वालों से फोन पर बात की, लेकिन फिर भी आईसीयू बेड नहीं मिल पाया। हम सभी काफी ज्यादा मजबूर हो रहे थे और खुद को काफी ज्यादा असहाय भी महसूस कर रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा के कारण मेरे एक दोस्त ने आखिरकार गोरेगांव के छोटे से अस्पताल में आईसीयू बेड अरेंज करवाया। आगे भव्य गांधी की माँ यशोदा ने कहा कि मेरे पति के साथ साथ कुछ दिन बाद मेरे बड़े बेटे और बहू को भी कोरोना हो गया। दोनों क्वारंटाइन हुए और मुझे उनकी देखभाल के लिए रहना पड़ा। भव्य अकेले अस्पतालों में जाकर अपने पिता का ख्याल रख रहा था। डॉक्टर ने हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करने को कहा था। मैंने 6 इंजेक्शन के लिए 8 इंजेक्शनों की कीमत चुकाई। इसके बावजूद भी मुझे टॉक्सिन इंजेक्शन का व्यवस्था करने के लिए कहा गया। मुझे ये बताने में बुरा लग रहा है कि इस जो चीज़ हमारे इंडिया में बनती है उसके लिए मुझे भारत से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने इस इंजेक्शन को दुबई से खरीदा, वो भी 45,000 रुपये में, जिसकी कीमत 1,00,000 रुपये देनी पड़ी, लेकिन वो भी मेरे पिता के काम नहीं आया। अंत में मुझे उन्हें कोकिला बहन अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन वो उन्हें एडमिट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम BMC रजिस्ट्रेशन के बिना कोविड केसेस नहीं लेते। मेरे पति बेहोश थे जब उन्होंने उनकी हालत और स्थिति देखी, तब ICU बेड दिया, जिसके बाद मेरे पति आखिरी सांस लेने से पहले 15 दिन तक उसी अस्पताल में रहे। यशोदा गांधी से जब पूछा गया कि आखिरी बार उनके पति को उन्होंने कब देखा, तो उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल उन्होंने अपने पति को दूर से आखिरी बार देखा था, हालांकि तब वो बेहोश थे और पत्नी को देख नहीं पाए थे। खैर, ये तो थी भव्य गांधी के पिता को लेकर खबर, लेकिन अब आपको बताएंगे कि पिता के निधन के बाद ही भव्य गांधी की 2 गर्लफ्रेंड्स पर हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। भव्य गांधी की जिंदगी के बारे में अगर बात की जाए तो भव्य गांधी की जिंदगी में उनकी 2 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी थी। जी हाँ, भव्य का नाम 2 लड़कियों के साथ जुड़ चुका है। और उनका क्या नाम है, तो सबसे पहली बार भव्य का नाम तारक मेहता में सोनू का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस निधि भानुशाली के साथ जुड़ा था। खबर ये थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन भव्य ने एक बार इस बात पर से राज उठाया था और कहा था कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बता दें कि निधि भानुशाली के बाद भव्य का नाम दिगांगना सूर्यवंशी के साथ जुड़ा था, जो टीवी शो वीरा में नजर आ चुकी थी। खबरों की माने तो दोनों की मुलाकात अवार्ड नाइट के वक्त हुई थी और वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई और प्यार हुआ। एक इंटरव्यू में भव्य ने इस बात से भी अपना मुंह मोड़ लिया और कहा कि वो दिगांगना के सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इस तरह दो नामों से जुड़ने के बाद भी आज भव्य सिंगल है और उन्हें अब अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड का इंतज़ार है। तो यह है पूरी खबर भव्य गांधी की ज़िंदगी में आई 2 गर्लफ्रेंड्स, जिसका खुलासा भव्य गांधी के पिता के निधन के बाद हो रहा है। नेक्स्ट एनएच रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट भव्य गांधी पर, जहां पर भव्य गांधी किस किस लड़की से उनका नाम जुड़ चुका है उस पर कर दिया है खुलासा। लेकिन आखिरकार यहां पर यही बताया गया कि भव्य गांधी किसी भी एक्ट्रेस को डेट नहीं कर रहे थे। उन्होंने खुद इस बात की स्टेटमेंट दी थी, वो सिर्फ खास और अच्छे दोस्त हैं, उनका किसी के साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है और ना ही वो किसी को डेट कर रहे हैं। यानी कि अभी भी भव्य गांधी सिंगल है और उन्हें इंतज़ार है एक ऐसी गर्लफ्रेंड का जो उनकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खुशनुमा कर सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।